हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे फुटवेयर रिव्यू। आज गाइस जो मैं रिव्यू और अनबॉक्स करने वाला हूँ ना भाई, एशियन ब्रांड के एयर सॉक्स 12 आर्टिकल को रिव्यू करने वाला हूँ, जिसकी एमआरपी 1499 की है और ये हमें अमेजोन पे अराउंड अप्रोक्स 700 रुपए के आसपास मिल रहा है। ठीक, तो गाइस इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग लाइक सॉक्स टाइप पैटर्न स्पोर्ट्स शूज ना, तो ये आर्टिकल को डेफिनेटली कंसीडर करना। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस। ठीक है, आ जाओ। तो गाइस एज यू कैन चेक आउट हियर मेरे भाई, यहाँ पे ये देखो, ये एशियन ब्रांड का बॉक्स है, इसके अंदर वो शूज है। फटाफट पहले स्पेसिफिकेशन देख लो, इसके एमआरपी देख लो, 1499। भाई लोग इतने एमआरपी क्यों रखते हैं मेरे भाई, जब आपको 700 में ही बेचना है तो आप इतने एमआरपी रख के क्यों हमें गुंगराह करते हो। लेकिन आपको गुंगराह बिल्कुल नहीं होना मेरे भाई, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो। ठीक है, आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस के, आप फटाफट इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे भाई कि ये 700 रुपये के आसपास का हमें ऐसा लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, 1400 इग्नोर करो, उससे अपने को भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये भाई मैंने निकाल लिया, यू आर गेटिंग द बटर पेपर इसके अंदर, और उसके अलावा इसमें और कुछ भी है नहीं। ठीक है, तो ये भाई ये एशियन, वीरेंद्र सहवाग जी को बोलो टाटा बाय बाय। चलो ठीक है, आप नीचे 2 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ। तो भाई देखो, ये है वो शूज़। ठीक है भाई, अगर मैं ये शूज़ को सबसे पहला इंप्रेशन दूँ ना, अगर मैं इसको ऑनलाइन मंगाऊँ, ये मेरे पास आया और मैं इसे देखूँ, तो सबसे पहला दिमाग में ऐसा आता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो एक्सट्रीम लाइट वेट स्पोर्ट शूज़। सबसे पहले गाइस कंप्लीट लुक आप देख लो यार, कंप्लीट लुक देखो भाई, 700 रुपये, 600, 700, 800 में अगर आप इसे लेंगे, क्योंकि प्राइस देखो भाई फ्लक्चुएशन होते रहता है। ठीक है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ 700, डजंट मीन कि 700 में मिलेगा आपको, 100 रुपये कम या 100 रुपये ज़्यादा में भी मिल सकता है उस टाइम पर। ठीक है, चेक आउट द कंप्लीट लुक मेरे भाई। आप ब्रांडिंग की बात कर लेंगे भाई, यू आर गेटिंग ब्रांडिंग ओवर हियर एशियन की। उसके अलावा यहाँ पे जो इंसोल ये लोग यूज़ कर रहे हैं, यू कैन चेक आउट है, यहाँ पे आपको इंसोल पे इनकी ब्रांडिंग मिल जाती है। ठीक है, और उसके अलावा भाई अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे समथिंग दे हैव रिटन लाइक एयर सॉक्स, सॉक्स फॉर योर फीट। उसके अलावा गाइस मैं इसकी अगर मैं बात करूँ ना भाई, तो इसमें इतना कुछ है नहीं बेसिकली, समझ रहे हो। इसमें क्या है बेसिकली, ये अपर है और सोल है और इंसोल है, बस ये तीनों को असेंबल्ड कर दिया और ये स्पोर्ट्स शूज बना दिया है। बेसिकली ये जो अपर होता है ना गाइस, जिसको ये एयर सॉक्स कनाइटिंग अपर बोलते, ये पूरा वन पीस निकलता है। अगर आपको और भी कनाइटिंग अपर के बारे में जानकारी चाहिए ना भाई, तो आप सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद है ना, खाली वो सर्च में ना, YouTube सर्च में आप डाल देना सो कनाइटिंग अपर मशीन, या आप लिख देना कनाइटिंग अपर स्पोर्ट्स शूज, आपको इसी तरीके से वो मशीन में कैसे बनता है ना भाई, तो आपको और भी एक एडिशनल नॉलेज आ जाएगा कि भाई ये पूरा वन पीस निकलता है मशीन से, आप समझ रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे इंसोल वगैरह लगा के यहाँ पे नीचे की तरफ इसको यहाँ पे प्राइमर लगा के, या जो भी लोग पेस्टिंग के लिए लगाते हैं ना, यहाँ पे इसको पेस्ट किया जाता है। और भाई कनाइटिंग अपर की खासियत और ये भी हो जाती है ना भाई, कि ये जब ये ईवा को चिपकता है ना, तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त चिपक जाता है, आप समझ रहे हो, बहुत जबरदस्त। एक नजदीक से देख लेते हैं ना, इसमें स्पिल ऑफ कहीं पे भी देखने मिल रहा है क्या, तो मैं अगर मैं देख रहा हूँ ना भाई, तो इसमें लोगों ने जो प्राइमर वगैरह जो लगाया ना, तो चिपकाने के लिए बहुत ज्यादा गजब लगाया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी इनकी स्पिल ऑफ बोलो या वैसा कुछ भी दिखने रहा, एकदम नीट एंड क्लियर दिख रहा है मेरे को ये स्पोर्ट्स शूज। ठीक है, एक और गाइस ये भरी खासियत हो जाती है ना, कि आपको इसमें ना भाई वेंटिलेशन बहुत गजब मिलता है, आप समझो। यहाँ पे ये सब जो भी ये जो गैप गैप जितना भी है ना यहाँ पे, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली बात है, जो वेंटिलेशन जो होती है ना, ब्रीदेबलनेस जो होती है बेसिकली, वो आपको बहुत गजब मिलती है। और भाई अगर लेस वेस देखो, तो लेस कैसा है, देखो मैं तो यही मानता हूँ भाई, ये सॉक्स टाइप पैटर्न है। ठीक है, लेस आप एक बार ही बांधना, और इस तरीके से बांधना ना भाई, कि जब आपको कहीं पे जाना हो ना, तो वापस लेस खोलने की जरूरत ना पड़े, आप तुरंत पैर डालो और निकल लो। उसके अलावा और एक खासियत ये ना भाई, अगर आप 600-700 रुपये दे रहे हो, और अगर आपको समथिंग लाइक ये एयर सॉक्स के साथ में अगर आपको ये इनकी मतलब ये एशियन ब्रांड की अगर मेमोरी फोम टेक्नोलॉजी मिल रही है ना यहाँ पे नीचे की तरफ, यू कैन चेकआउट गाइस ये वाली, तो डेफिनेटली बात है आपको एक वो चलते टाइम पे वो कंफर्ट भी मिलेगा। बट भाई देखो, जैसे मैं इसको ये प्रेस कर रहा हूँ ना, अब डेफिनेटली बात है, जब मैं इसको पहनूंगा तो और ज्यादा अच्छे से फील होगा। जब प्रेस कर रहा हूँ तो प्रेस करने से वो एक बाउंसिंग इफेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा सोल की बात करो तो भाई यहाँ पे तो ये ईवा सोल है। ठीक है, एकदम लाइट वेट ईवा सोल है। इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक कैजुअल वेयर शूज ना, तो ये भले ही स्पोर्ट्स शूज है, बट मेरे सबसे कैजुअल वेयर पे भी अच्छे से जाते हैं सॉक्स टाइप पैटर्न। उसके अलावा अगर आप मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए अगर जाते हो, अगर आपको वो लेस वगैरह नहीं बांधनी है वॉक के लिए, तो मेरे ख्याल उसमें भी आप ये रिकमेंड डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर भाई अगर आप बहुत ही ज्यादा हार्ड कोर रनिंग करते हो, समझना मेरी बात, अगर आप बहुत ज्यादा हार्डकोर रनिंग करते हो, तो भाई फिर ये सब पैटर्न मेरे हिसाब से फिर थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज इसमें और आप 400-500 रुपये डाल के आप कैंपस ब्रांड में या इसी ब्रांड के कोई अच्छे वाले टीपीआर आउटसोल वाले ईवा सोल वाले वो आप ले सकते हो, और जिसमें आपको बेसिकली मैश अपर रेजिन अपर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो वो थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबिलिटी साबित होती है। अपर का जो कनाइटिंग अपर है ना भाई, इसकी क्वालिटी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार मैंने कोई ऐसा बहुत ज्यादा लोकल प्रोडक्ट कहीं से खरीद लिया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि हाँ चलो भाई एशियन जर के जो बॉक्स पे लोग वीरेंद्र सहवाग जी का जो फोटो यूज कर रहे हैं ना, दैट जस्टिफाई दिस प्राइस। तो गाइस आ जाओ फटाफट पहनते, ठीक है आ जाओ। अभी गाइस जैसे कि मैंने वो शूज को पहन लिया है, ठीक है, पहनने के बाद एक ये एक्सपीरियंस था कि बहुत ज्यादा इजी टू वेयर है, आप समझ रहे हो क्या मतलब। कई कई बार होता है ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कहीं पे जाना पड़ता, तो वहाँ पे भी अपने को यार खोलना पड़ता था, लेस वाले शूज़ होते हैं तो अपने को बहुत कंटाला आता है यार, वापस शूज़ खोलने पड़ेंगे, पहनने पड़ेंगे। बट वो फीलिंग डेफिनेटली आपको इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहेगा चल फटाफट खोला, फटाफट पहना और निकल लिए। उसके अलावा गाइस की जो मेमोरी फोम जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उससे एक डेफिनेटली एक रीजनेबल कम्फर्ट अपने को मिलता है। ठीक है, आप जब चलते हो तो पैर वो बाउंसिंग वाला
फैक्टर इसमें अपने को वो कंसिडर करने मिलता है, ठीक है। उसके अलावा कैसे ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन मेरे को तो काफी पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। यू कैन चेक आउट हियर मेरे भाई, ये देखो भाई, ये देखो ठीक है, मतलब हाँ सेटिस्फैक्ट्री, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं पसंद आएगा। सो गाइस डेफिनेटली प्रोडक्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, तो जब भी आपको अगर जब आप क्लिक करेंगे अगर 600-700 रुपए के आसपास अगर मिल रहा होगा ना, मेरे हिसाब से कंसिडरिंग एशियन ब्रांड 600-700 एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक रेट है, उसमें डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन है बाय करने के लिए। एक बार और चीज़ देख लेते ना भाई, इसको अपन वेट करके भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों के एग्जैक्टली इसका वेट कितना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ मशीन पे रख दिया भाई, यू कैन चेक आउट ये गाइस, ये ऑलमोस्ट अराउंड 191 ग्राम का ये एक सिंगल साइड का पैर है, ठीक है। सो गाइस जैसा मैंने आपको कहा भाई, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लाइट वेट है। इफ यू आर कंसीडरिंग समथिंग लाइक लाइट वेट में एयर सॉक्स पैटर्न भाई, तो ये ब्रांड को डेफिनेटली ये आर्टिकल को आप कंसिडर करो, ठीक है। तो गाइस अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी अगर प्लान आउट कर रहा है, आपका दोस्त वोस्त कोई भी क्या वहाँ भाई स्पोर्ट्स शूज खरीदने ऑनलाइन, लेकिन अगर वो कंफ्यूज है कि उसको एयर सॉक्स टाइप पैटर्न में कौन से ब्रांड के कौन से स्पोर्ट्स शूज खरीदने चाहिए, डू शेयर दिस वीडियो विद हिम। भाई उसको बोल देना भाई खाली वीडियो शेयर मत कर, उसको बोलना भाई सब्सक्राइब भी कर ले, बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से चैनल पे आपको मिलेंगे फुटवेयर रिव्यूज, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस।